नमस्कार, हम प्रतिमा चौधरी। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। कोविड-19 के संक्रमण रोकथाम आ नियंत्रण खातिर 77 मध्य 56 जिला में निषेधाज्ञा, 41 में पूर्ण आ 15 जिला में आंशिक। देवी शिक्षण अस्पताल महाराजगंज द्वारा 140 शैया के उपचार कक्ष संचालन में, सिर्फ कोरोना संक्रमण की बीमार के उपचार मुखी। नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण द्वारा इंटरनेट सेवा प्रदायक कंपनी सबके कड़ा निर्देशन, महसूल भुगतानी न करे वाला उपभोक्ता के सेवा वृद्ध न करेला सुझाव। भारत में कोरोना वायरस से अभी तक के ही सबसे बेसी संक्रमित, एक दिन 4,12,000 संक्रमित, करीब 4,000 की मृत्यु। आज चेल्सी चैंपियंस लीग फुटबॉल के फाइनल में प्रवेश, उपाधि खातिर मैनचेस्टर सिटी संगे भिड़ंत मुखी। पूरा समाचार। कोविड-19 के संक्रमण रोकथाम तथा नियंत्रण खातिर 77 मध्य 56 जिला में निषेधाज्ञा जारी कल गल बा। गृह मंत्रालय के मुताबिक बैशाख 22 गते संझिया 7 बजे तक 41 जिला में पूर्ण रूप से आ 15 जिला में आंशिक निषेधाज्ञा जारी कल गल बा। जिला भर निषेधाज्ञा जारी होखे वाला जिला में बांके, सुर्खेत, काठमांडू, ललितपुर, भक्तपुर, कास्की, कैलाली, परसा, दांग, कंचनपुर, पाल्पा, चितौन, रूपंदेही, बर्दिया, सल्यान, सुनसरी, जाजरकोट, ओहिलेखा, रुकुम पश्चिम, डडेलधुरा, झापा, गुलमी, प्युठान, बाजुरा, उदयपुर, बझांग, कपिलवस्तु, नुआकोट, धनुषा, अर्घाखाँची, बैतडी, दैलेख, महोत्री, डोल्पा, डोटी, नवलपरासी पूर्व, रोल्पा, मुगु, बारा सिरहा, नवलपरासी पश्चिम आ दोलखा बाटे। उहिलेखा आंशिक निषेधाज्ञा जारी होखे वाला जिला में धनकुटा, सिन्धुपाल्चोक, इलाम, तनहु, म्याग्दी, ताप्लेजुङ, रामेछाप, स्याङ्जा, कालीकोट, मकवानपुर, गोर्खा, काभ्रेपलाञ्चोक, मोरङ, दार्चुला आ बागलुङ बाटे। काठमाडौँ उपत्यकामै आजसे निषेधाज्ञामै कडाई कैल गेल बा। कालहु तक सवेरे संझिया ही दुकान खोले के देहला पर भी आज से सवेरे 9 बजे तक मात्रे दुकान खोले मिले किस्म से आदेश जारी भइल बा। अत्यावश्यक खाद्य सामग्री के दुकान व्यवसाय डिपार्टमेंटल स्टोर सवेरे 9 बजे तक ही खोले के मिली। उही लेखा खाद्य सामग्री, ग्रोसरी दुकान, दवाई के दुकान जैसन अत्यावश्यक सेवा के व्यवसाय संचालन करत समय नेपाल सरकार से तय कैल गेल स्वास्थ्य मापदंड अनिवार्य रूप में पालना करे के पड़े। कोविड-19 संक्रमण के जोखिम बढ़ते जा रहल कारण काठमांडू उपत्यका में थप कड़ाई करत आज सवेरे से लागू होके किस्म से आदेश जारी कल गेल। काठमांडू के प्रमुख जिला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुली जानकारी देने। इससे पहले बैशाख 16 गते से 22 गते तक निषेध के आदेश जारी भेल में यह 21 गते उपत्यका के तीनों जिला के प्रमुख जिला अधिकारी के बैठक से निषेध के आदेश 1 सप्ताह थपे के निर्णय भेल रहे। आदेश 29 गते रात 12 बजे तक कायम रहे। नेकपा एमाले द्वारा राष्ट्रीय सभा के निर्वाचन में पार्टी के उम्मीदवार के जीत सुनिश्चित होके किस्म से जनप्रतिनिधि तथा मतदाता संगे छलफल करे के निर्णय कल गेल बा। प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में आज भेल स्थायी कमेटी बैठक में बागमती प्रदेश राष्ट्रीय सभा निर्वाचन में दल के तरफ से उम्मीदवार के जीत सुनिश्चित होके किस्म से छलफल भेल बा। एमाले के प्रवक्ता प्रदीप कुमार गेवाली निर्वाचन के तैयारी के संबंध में स्थायी कमेटी सदस्य से विभिन्न सुझाव देहल आ उम्मीदवार के बारे में जल्दी निर्णय करे के भी जानकारी देने। यो बागमती प्रदेशबाट निर्वाचित हुने एकजना राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनका सम्बन्धमा छलफलहरू गरेका छौँ र यो निर्वाचनमा नेकपा एमालेको उम्मेदवारलाई जिताउने गरी त्यो जित सुनिश्चित हुने गरी यसका तयारीहरू गर्नका लागि विभिन्न सुझावहरू दिनुभएको छ नेताहरूले। आवेवाला जेठ 6 गते राष्ट्रिय सभाकै निर्वाचन बागमती प्रदेशकै हो रहल बा। उपप्रदेश खातिर दल से इससे पहले रामबहादुर थापा की उम्मीदवारी घोषणा हो चुकल बा। संघीय संसद सचिवालय द्वारा आवेवाला 27 गते के प्रतिनिधि सभा बैठक के तैयारी करत सांसद लगायत बैठक में आवश्यक संपूर्ण जनशक्ति के कोविड-19 संक्रमण के परीक्षण खातिर स्वाब संकलन के काम आज जारी बाटे।
स्वाब संकलन खातिर सचिवालय से बुध के आबीएफए खातिर तालिका सार्वजनिक कैल गेल रहे। तालिका मुताबिक बुध के प्रतिनिधि सभा के सभामुख, सांसद सब, महासचिव, सचिव कार्यव्यवस्था शाखा आ सांसद सुविधा व्यवस्थापन शाखा में कार्यरत कर्मचारी सब के, संघीय संसद सचिवालय के कर्मचारी सब आ सभामुख के निजी सचिवालय में कार्यरत कर्मचारी सब के स्वाब संकलन कैल गेल रहे। संघीय संसद सचिवालय के प्रवक्ता डॉक्टर रोजनाथ पांडे बुध के आप बीएफए के स्वाब संकलन करके आ केहू के रिपोर्ट पॉजिटिव अला पर कैसे आ कौन किस्म से व्यवस्थापन कैल जाए कह वाला संबंध में कार्य व्यवस्था परामर्श समिति के बैठक से निष्कर्ष लगावे के जानकारी देले रहने। प्रवक्ता पांडे के मुताबिक बीएफए के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र नया बानेश्वर में कार्यरत कर्मचारी सब, मर्यादा पालक सब, संसदीय मामला पत्रकार सब, स्वकीय सचिव लगायत के सभी कर्मचारी, ट्रैफिक बम डिस्पोजल टोली, कुकुर से चेक जांच करे वाला सुरक्षाकर्मी सब, उल्लेखा बैठक संचालन खातिर विभिन्न भूमिका में रहल सब केहू के स्वाब परीक्षण हो रहा बा। सरकार द्वारा विश्वास के मतलब के प्रयोजन खातिर ही बैशाख 27 कते प्रतिनिधि सभा के अधिवेशन बुलावल गेल बा। चीन सरकार द्वारा अनुदान स्वरूप देवे लागल 20,000 ऑक्सीजन सिलेंडर मध्य पहिलका लॉट एक हफ्ता भीतरे लियावे के सरकार तैयारी कैले बा। प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय द्वारा सार्वजनिक कैल गेल कार्य योजना में बैशाख 31 कते भीतरे पहिलका लॉट ऑक्सीजन सिलेंडर लियावे के उल्लेख कैल गेल बा। चीन सरकार से अनुदान स्वरूप प्राप्त होखे वाला 20,000 ऑक्सीजन सिलेंडर मध्य डुआनी लगायत के संपूर्ण तैयारी पूरा भेल बा। सिलेंडर लियावे के जिम्मा अर्थ आ परराष्ट्र मंत्रालय के देहल गेल बा। त समन्वय करेला संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय के कहल गेल बा। कोरोना संक्रमण के दोसरका लहर संगे नेपाल में ऑक्सीजन अभाव भेला बाद चीन से अनुदान स्वरूप 20,000 ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करावे के घोषणा कैल गेल रहे। सरकार द्वारा भारत से भी लिक्विड ऑक्सीजन आयात के कूटनीतिक पहल जारी राखल गेल बा। भोजपुरी समाचार में आप छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में आप बाकी समाचार। त्रिवी सेक्शन अस्पताल महाराजगंज द्वारा कोरोना संक्रमण के बीमार सबके मात्रे इलाज करे के सिम से 140 शैया के उपचार कक्ष संचालन में लियावल गेल बा। कैंसर उपचार खातिर निर्माण कैल गेल सुरेश वागली कैंसर सेंटर के फिलहाल कोविड 19 उपचार कक्ष बनावल गेल हा। अभी 40 शैया संचालन में आ चुकल बा। जनशक्ति परिचालन आश्रोत व्यवस्थापन के कोण से महामारी व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनते गेला से ओ किस्म के व्यवस्था कैल गेल हा। अस्पताल द्वारा हाल 250 शैया कोविड के बीमार के खातिर अलग कैल गेल बा। ई मध्य 218 बीमार के इलाज करा रहल अस्पताल जनौले बाटे। सरकार द्वारा बीर अस्पताल के नया भवन संगे उपत्यका के 4 ठाव में कोविड अस्पताल संचालन करे के कार्य शुरू कैल गेल बा। प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय द्वारा जारी कैल गेल कोविड रोकथाम नियंत्रण आ उपचार खातिर बनावल कार्य योजना में बीर अस्पताल के नया भवन, भक्तपुर के खरीपाटी, दहचोक आ इचंगू नारायण में आईसीयू सहित के कोविड अस्पताल शनिचर तक में संचालन में लियावे के उल्लेख बा। बीर अस्पताल के नया भवन में कोरोना संक्रमित के कमती में 500 शैया सहित के सेवा देवे के तैयारी कैल गेल बा। काठमांडू में कोरोना बीमार खातिर शैया अभाव भेला बाद सरकार द्वारा बीर अस्पताल के नया भवन के 500 शैया के कोरोना विशेष अस्पताल बनावे के तैयारी कैल गेल बा। वायुसेवा कंपनी द्वारा आपातकालीन अवस्था में काठमांडू बाहेक मोपसल के थपचार विमानस्थल कार्यालय से उड़ान अनुमति ले सके के जनावल गेल बा। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण द्वारा अधिकार प्रत्यायोजन करत त्रिभुवन विमानस्थल बाहेक मोपसल के 4 गो विमानस्थल से भी आकस्मिक उड़ान के अनुमति देवे के निर्णय कैल गेल हा। नेपालगंज, पोखरा, सुर्खेत, आलुकला स्थित तेंजिंग हिलारी विमानस्थल से आकस्मिक उड़ान की अनुमति ले सकल जाए। इससे पहले काठमांडू से ही आकस्मिक उड़ान खातिर अनुमति देवे के व्यवस्था रहे। प्राधिकरण द्वारा संबंधित कार्यालय के अधिकार प्रत्यायोजन करके जारी भेल उड़ान अनुमति के विवरण प्रधान कार्यालय में पिठास पेला भी कार्यालय सब संगे अनुरोध कल गेल बा। पर्वतारोही के हिमाल आरोहण के दौरान असाहस भेला पर उद्धार करेला वायुसेवा कंपनी सबसे लुकला स्थित नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के कार्यालय से ही
उडान अनुमति लेके पर्यटक के उद्धार कर सकेके रस्ता प्राधिकरण खुल्ले बाटे। एकरा अलावा कोरोना वायरस के महामारी के कारण गंभीर प्रकृति के बीमार के हेलीकॉप्टर से उद्धार खातिर भी अनुमति दिहल जाए। कर्णाली प्रदेश में राष्ट्रीय सभा के उपनिर्वाचन जेठ 17 गते होखे वाला बाटे। सरकार द्वारा मिति तय करके निर्वाचन आयोग के चुनाव खातिर आग्रह के बाद आयोग से उपचुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ावल गेल है। पद रिक्त रहल 35 दिन भीतरे चुनाव हो सके के प्रावधान मुताबिक उपचुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ावल गेल है। राष्ट्रीय सभा में माओवादी केंद्र से निर्वाचित भइल चंद्र बहादुर खड़का इमाले प्रवेश कैला बाद पार्टी से कार्यवाही कैला बाद पद रिक्त भइल रहे। उपद के चुनाव खातिर निर्वाचन आयोग के बुध के बैठक से लुम्बिनी प्रदेश के राजधानी घोराई में निर्वाचन अधिकृत के कार्यालय स्थापना करे के निर्णय कैल गेल रहे। वही लेखा बागमती प्रदेश में जेठ 6 गति होखे वाला उपचुनाव खातिर आज मनोनयन दर्ता हो रहल बा। अब आर्थिक समाचार। नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण द्वारा कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न विषम परिस्थिति में महसूल भुगतानी न करे वाला उपभोक्ता की सेवा अवरुद्ध न करेला सेवा प्रदाय के निर्देशन देहल गेल बा। नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण से कोविड-19 के दोसर लहर के संक्रमण तीव्र बनते गेल कहत दूरसंचार तथा इंटरनेट जैसन अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध न करे खातिर सचेत करावल गेल है। अभी के परिस्थिति में सेवा अवरुद्ध भइला से उपभोक्ता सब में नकारात्मक असर पड़ सके के कहत महसूल भुगतानी ना कैल ग्राहक सब के सेवा ना काटेला प्राधिकरण निर्देशन देले बा। वही लेखा संभव होखे तक विद्युतीय माध्यम से महसूल भुगतानी लेवे के व्यवस्था करेला आ सर्विस सेंटर मार्फत सेवाग्राही के भीड़भाड़ ना होखे के आ भौतिक दूरी कायम होखे किस्म से महसूल उठावेला निर्देशन दिहल गेल बा। परिस्थिति अनुकूल भला बाद भी कोनो विलंब शुल्क ना लेके सेवा सुचारू करेला पत्राचार कैल गेल बा। प्राधिकरण से ऐसन समय में इंटरनेट के मांग बढ़ रहल आ उपभोक्ता सब घर भीतरे सीमित भला से सेवा निरंतर देवे के जिक्र कैल गेल बा। सेवा प्रदायक सब निषेधाज्ञा के समय में सेवा रोकल शिकायत बढ़ला बाद निर्देशन जारी भइल जनावल गेल बा। भोजपुरी समाचार में फिर छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। कोरोना वायरस महामारी के कारण भारत में पिछला एक दिन में करीब 4,000 के मृत्यु भइल बा। सरकारी अधिकारी सबसे आज सवेरे देहल जानकारी मुताबिक पिछला 24 घंटा में भारत में 3,980 जने के मृत्यु भइल हा। एकरा साथ ही भारत में कोरोना वायरस के चलते मृत्यु भइल लोग के कुल संख्या 2,30,168 पुगल बा। भारत में पिछला एक दिन में कोरोना वायरस से अभी तक की ही सबसे बेसी संक्रमित भइल जनावल गेल बा। केंद्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा पिछला 24 घंटा में भारत में देश भर करके कुल 4,12,262 जने संक्रमित भइल जनावल गेल बा। भारत में कोरोना वायरस के कारण अभी तक कुल 2,10,77,410 जने संक्रमित भइल बाटे। लोग पिछला 24 घंटा में भारत में 3,29,113 जने कोरोना वायरस से संक्रमण मुक्त भइल बाड़न सन। आप खेलकूद समाचार। चेल्सी चैंपियंस लीग फुटबॉल के फाइनल में प्रवेश कैले बा। सेमीफाइनल के दोसर काली के खेल में स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड के 2-0 से हरावत चेल्सी फाइनल प्रवेश कैले बा। प्रीमियर लीग क्लब चेल्सी समग्र में 3-1 नतीजा सहित फाइनल प्रवेश कैलक। दोसर काली के खेल में चेल्सी के जीत दिलावेला टीमो वार्नर आ मिशन माउंट 1-1 गोल कैलन। काई हार्वर्ड्स के प्रहार पोस्ट में लाके लोटाबाद वार्नर 28वां मिनट में हेड मार्फत चेल्सी के अग्रता दिलौले रहलन। खेल ओराय से 5 मिनट पहले माउंट चेल्सी खातिर दोसर का गोल कैले रहलन। चेल्सी टर्की के इस्तांबुल में चैंपियंस लीग के तेसर का फाइनल खेली। चैंपियंस लीग के उपाधि खातिर प्रीमियर लीग क्लब मैनचेस्टर सिटी संगे भिड़ी।
सिटी मंगर के रात पेरिस सेंट जर्मेन पीएससी के हरावत फाइनल यात्रा तय कर चुकल बा। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। कोविड 19 के संक्रमण रोकथाम आ नियंत्रण खातिर 77 मध्य 56 जिला में निषेधाज्ञा 41 में पूर्ण आ 15 जिला में आंशिक। त्रिवेद शिक्षण अस्पताल महाराजगंज द्वारा 140 शैया के उपचार कक्ष संचालन में सिर्फ कोरोना संक्रमण के बीमार की ही इलाज होगी। नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण द्वारा इंटरनेट सेवा प्रदायक कंपनी सबके कड़ा निर्देशन, महसूल भुगतानी न करे वाला उपभोक्ता के सेवा अवरुद्ध न करेला सुझाव। भारत में कोरोना वायरस से अभी तक के ही सबसे बेसी संक्रमित, एक दिन 4,12,000 संक्रमित, करीब 4,000 के मृत्यु। आज चेल्सी चैंपियंस लीग फुटबॉल की फाइनल में प्रवेश उपाधि खातिर मैनचेस्टर सिटी संगे भिड़ंत होगी। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब अपने YouTube, ट्विटर, फेसबुक आ हमनी के वेबसाइट jantasamachar.com में भी पढ़ आ देख सकतानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार, हमनी के प्रतिबद्धता। नमस्कार।